हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अन अकेडमी से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हुए हैं कि अन अकेडमी के में फ्री कोर्स चल रहा है या पेड कोर्स चल रहा है। इस रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अन अकेडमी द्वारा जो फ्री कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद बात करने वाला हूं मैं कि अन अकेडमी का पेड कोर्स में क्या होता है। इस रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट करना है तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, फ्री कोर्स का बात करें तो अन अकेडमी डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि लर्निंग ऐप होगा। उसमें आप कोई भी जितना भी पढ़ते हैं वो सभी फ्री कोर्स में आता है। कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं उस पर पढ़ाते हैं और वो अपना बैच लिए हुए हैं, मतलब अपना टॉप फैकल्टी में काउंट भी आते हैं, लेकिन वो फ्री कोर्स में आता है। मतलब जैसे आपको कोई मैथ्स पढ़ना, तो मैथ्स में आपको काफ़ी चैप्टर होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क ही ले लीजिए। टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ काफ़ी टॉपिक होते हैं, जैसे टाइप वन में आते हैं, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, ऐसे काउंट होते हैं। तो लेकिन आपको जो फ्री कोर्स में मिलेगा वो आपको टाइप वन, टू, थ्री, फोर तक दे सकता है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि 10 टाइप का है तो सभी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, ये फंडा हर कोई अपनाता है और ये अन अकेडमी द्वारा भी लिया गया है। तो देखिए क्या करना है आपको कि जो फ्री कोर्स है तो फ्री पे तो आप काफी जानकारी भी ले सकते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पेड कोर्स में क्या है तो पेड कोर्स में देख लीजिए। देखिए फ्री का बात करें तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं जितने भी फ्री कोर्स आए हुए हैं वो, साथ में उनका पेन ड्राइव कोर्स आए हुए हैं या एंड्रॉयड कोर्स आए हुए हैं, ये सब जो देख रहे हैं आप उसमें भी पेड ही हैं। फ्री में तो कोई आपको नहीं दे रहा, क्योंकि अपना टाइम जो देगा वो पैसा तो लेगा ही। बात किया जाए पेड द्वारा, तो पेड में क्या होता है कि जो आप यहाँ पे डिटेल देखें, हर डिटेल आपको अन अकेडमी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन अकेडमी आपको ले जबरदस्ती ले, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप देख लेते हैं जैसे अन अकेडमी द्वारा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जितने भी कोर्स आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, जितने भी कोर्स आते हैं वो पेड में हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज जरूर पढ़ाया जाता है। ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ ये पक्ष मेरा पक्ष है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो पेड कोर्स में आपको ऑफकोर्स सभी डिटेल में जानकारी मिलेगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अन अकेडमी के अंदर आपको क्या हो रहा है और बाकी में क्या हो रहा है, ये सब रिलेट करने का बात नहीं है, लेकिन एक मैं आपको खुला में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अन अकेडमी का ही बात कर लिया जाए तो इसमें जितने भी जो फैकल्टी हैं टॉप फैकल्टी में आते हैं वो काफ़ी फेमस है। जितने भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट आप देख काउंट कर लीजिए, उसके जो टॉप ओनर होंगे वो अन अकेडमी से जरूर जुड़े होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अन अकेडमी कहाँ पे होगा अभी। साथ में पेड कोर्स भी चलाते हैं, आप पेड कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे प्लस कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको उसमें 10% का ऑफ भी मिलता है, अगर ऑफ का आपको बेनिफिट चाहिए तो आप ऑफ प्रोमो कोड में डालिएगा ITS HK27। ओके, ITS HK27 तो आपको 10% मिल जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ कि टॉप फैकल्टी में कौन कौन है, देख लीजिए आप नाम वाइज देख सकते हैं, ये सब टॉप फैकल्टी में आते हैं और कोई कोई इंस्टीट्यूट से ही जुड़े हुए भी हैं। जैसे मूडल सर का ही बात किया जाए तो वो काफ़ी पहले ही जुड़े हुए थे, फिर अन अकेडमी से ज्वाइन हुए। क्यों ज्वाइन हुए? क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑफकोर्स कोई अच्छा प्लेटफॉर्म से ही जुड़ना चाहेगा। काफ़ी कोई हैं ऐसे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन, इसमें अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑनलाइन कोर्स में होता क्या है। पूरा जो पेड इसमें कोर्स है उसके अंदर पूरा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा उसमें पढ़ाई कैसा होता है। साथ में अन अकेडमी द्वारा दावा किया जाता है कि इसमें जितने भी कोर्स होता है आपको सब चीज ए टू डिटेल जानकारी आपको साथ में मिलेगा। उसके बाद वीकली का बात किया, वीकली टेस्ट भी होगा, डाउट सेशन भी इसमें चलाया जाएगा। ऐसे ये तो मेरा है कि आप ये कोड डालिएगा तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, आपको बेनिफिट भी है। और मैं एक सजेशन दूंगा आपको, उसमें काफ़ी है कि ये एक मंथ के लिए लीजिए ले लीजिए, ये आपका 6 मंथ के लिए ले लीजिए, या 12th मंथ के लिए ले लीजिए। तो मैं रेफर करूंगा, सबसे पहले आप एक मंथ का लेकर देखिए कि आपको पढ़ाया कैसा जाता है, उसके बाद से ही आपको आगे रिकमेंड कर सकता हूँ मैं। ये था कुछ, काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि पेन ड्राइव कोर्स निकाले हुए हैं, एंड्रॉयड कोर्स निकाले हुए हैं, तो वैसे भी हैं। लेकिन आपको मैं बेनिफिट एक ही है कि एंड्रॉयड कोर्स आप कितना भी लीजिएगा तो शुरुआत ही वो 12 से 10 हज़ार ऐसे होते हैं, उसके अंडर में रहते हैं। एंड्रॉयड कोर्स भी आप देखिएगा तो इसमें 10 हज़ार 6 हज़ार के कोर्स में रहेगा। लेकिन आप अन अकेडमी का लेते हैं तो एक मंथ का ले लीजिए, या कोई भी SSC अगर लेना चाहते हैं तो SSC का एक मंथ वाला ले लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा नहीं 1000 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, वो भी कोड यूज करने के बाद आपका
900 रुपया में ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 900 में। आप ये एनालाइज कर पाएगा कि वो जो इंस्टीट्यूट जो आपका अनअकैडमी का मैं बात कर रहा हूँ वो पढ़ाता कैसे। आई होप आपको सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी जानकारी छूटता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।